हाल देखे इसका, आधा उसने मिटा भी दिया पेपर मार के फटाफट। क्या जल्दियां पड़ी है तुझे आज? सर सुबह वैलेंटाइन डे। बस मुझे डर ये लग रहा है कि जो सारा प्लान किया है ना वो सारा फेल ना हो जाए, कैंसिल ना हो जाए। सारी गाड़ियों पे ना रेड कलर के हार्ट्स, एक लड़कों को इकट्ठा करना और लड़कों को फिर वर्कशॉप से निकालना सबसे मुश्किल काम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, इसे मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सो कि जो मैं टाइटल सोच रहा हूँ वही इस वीडियो का टाइटल हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो उसमें कामयाब होऊंगा कि नहीं हूँ। मैं आपको आज का प्लान बताता हूँ। आज का प्लान ये है कि अभी मैंने रिसेंट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछला व्लॉग एंड किया और एक नया व्लॉग शुरू किया है, और मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी लेने। ये दूसरी गाड़ी गड़गड़ी करेंगे, अपनी गाड़ी निकालेंगे, क्योंकि वो जो स्क्रैचेस पड़े हुए हैं मेरी गाड़ी पे, जितना नुकसान हुआ है वो थोड़ा सा कवर करना है, क्योंकि कल एक बड़ी मजेदार वीडियो बनानी है हमने। मजेदार वीडियो क्या बनानी है हमने? ये करना है कि हमने बॉयज ने निकलना है क्रूज पे, और क्रूज कोई आम क्रूज नहीं होगा, वैलेंटाइन स्पेशल क्रूज होगा। और ये वैलेंटाइन कोई, इस वैलेंटाइन में कोई लड़की नहीं होगी, ना कोई वो लड़की वाला कोई ऐसा कल्चर होगा। मैं तो खुद सख्त खिलाफ हूँ भाई, अपने अगर अपनी बीवी से, अपनी जो भी आपका फीमेल पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, आपने उससे प्यार का इजहार करना है तो कोई एक दिन नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है ना, मदर्स डे ना फादर्स डे, सारी जिंदगी है आपके पास, आप कदर करें अपने रिश्ते की, प्यार करें। मैं स्पेशली खुसूसी तौर पे गाड़ियों के रिलेटेड ये बना रहा हूँ कि आप गाड़ी से प्यार करें। 14th of February है, तो बहुत अच्छे से प्लान्स हैं मेरे जहन में, जो आज को, आज के नहीं कल के हैं। आज मैं इसीलिए निकला क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सकता है, और बहुत सारे काम है जो करने। एक कोको होगी, एक लालो होगी, और चंद गाड़ियां और करने की, अरेंज करने की कोशिश करेंगे, और एक छोटा सा क्रूज होगा। हम क्रूज पे जाएंगे, इंजॉय करेंगे, वैलेंटाइंस डे ऑन अ डिफरेंट लेवल हम मनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, गाड़ी पकड़ते हैं और सीधा जाते हैं वर्कशॉप। मैंने सोचा क्यों ना कंपाउंड करवाने से पहले, मतलब ये स्क्रैच हटवाने से पहले गाड़ी धुलवा के ले जाएं, एक ही दफ़ा साफ़ सुथरी हो, क्योंकि कल फिर साफ करवाने का टाइम नहीं, मेरे वक्त का मैं मुकाबला सकता है। सेकंडली मैं ये भी सोच रहा हूँ कि गाड़ी थोड़ी सी ऊंची है, थोड़ी सी और ड्रॉप भी करवा ली जाए कल के लिए। एक ये हमारा स्टॉक गया है स्टॉक हाइट पे, और एक मैं हूँ जो गाड़ी ड्रॉप भी है, लेकिन इवन मेरा और दिल कर रहा है कि गाड़ी और ड्रॉप हो। अभी वर्कशॉप में आए 2 मिनट हुए हैं मुझे, और इसको देखें, हाल देखें इसका, आधा उसने मिटा भी दिया पेपर मार के फटाफट। क्या जल्दियां पड़ी हैं तुझे आज? सर सुबह वैलेंटाइन डे। ओए स्क्रैच किधर गया? साफ हो गई गाड़ी, चलो घर चले। ये तो इतनी सी बात थी, लेकिन फिर लेकिन इस डेंट का क्या करेंगे यार? शहरी, ये डेंट के वादे यार, मैं इस टाइम तो शहरी यार, वो दरवाजे क्या इस टाइम नो डेंट है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह से सीन होगा गाड़ी का, गुड हो गया यार, लेकिन डेंट चलो कोई नहीं, बाद में निकलवा लेंगे। मुझे इतना तो पता था कि ये स्क्रैचेस निकल जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। ये देखो, मतलब एक दो स्क्रैचेस हैं डीप, बाकी बिल्कुल भी निशान जितने भी था वो सारा खत्म हो गया। स्क्रैच खत्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन डेंट अभी खत्म नहीं हुआ। डेंट मैं कोशिश करूंगा कि सुबह जल्दी आके यहाँ से डेंट खत्म करवा लूँ, मोटा मोटा जितना ठीक हो सकता है वो ठीक करवा लूँ। और सेकंडली काफी ज्यादा टाइम हो गया, देर बहुत हो गई है, तो सारे मैकेनिक चले गए हैं यहाँ पे जो थे, तो गाड़ी ड्रॉप नहीं हो सकती, तो ड्रॉप भी कोशिश करूंगा मैं सुबह ही करवा लूँ। और फिर सुबह और भी बहुत काम है यार, अभी बहुत कन्फ्यूजन चल रही है। अभी ये व्लॉग भी पता नहीं कैसा बन रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। जी तो बॉयज़, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के साथ साथ वेलकम बैक, वेलकम बैक। आप लोगों के लिए एक सेकंड का शॉट होगा, मेरे लिए मेरी एडिटिंग की पूरी रात, उसके बाद 4 घंटे की नींद, और अभी दोबारा 11:30 बजे मैं आपके सामने हाजिर हूँ, और हम जा रहे हैं वर्कशॉप। आपको पता बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, अभी कल भी मैं लेट गया घर, और रात सारी एडिटिंग, सुबह सोया और 4-1 घंटे सोया हूँ मैं, और यहाँ पे आपके सामने हूँ। देखो कितनी मेहनत लगती है। इसी बात पे जरा फटाफट से सब्सक्राइब कर सकते हो आप मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, और इंस्टा पे आप भाई को फॉलो भी कर सकते हो। लेट्स गो। अंकल ये डेंट निकालना है यार। अच्छा बॉयज़, मैं तो मौके पे पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे कोई बंदा ना बंदे की जात है, जिन लड़कों ने जाना है कोई भी नहीं अभी आया, और ये देखो टाइम आपके सामने 12 बज गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि प्लान कैंसिल होने वाला है, कि देखो पीछे तो रह गए हैं तकरीबन 5 घंटे। अब 5 बजे जाके शाम होने लग जाती है, मज़ा भी नहीं आना, और प्रॉपर से रिएक्शन भी रिकॉर्ड नहीं होंगे गोप्रो लगा के, और गोप्रो की क्वालिटी वैसी रात को खराब हो जाती है। अगर ये 12 बजे नहीं है, और इन्होंने आगे भी तैयारी भी करनी है, गाड़ी लो करनी है, मैंने भी अपनी लो करवानी है। अरे वो कहते जरा गाड़ी ड्रॉप कर दे। अच्छा गाड़ी भी ड्रॉप करवानी है, अब देखो मैंने भी ड्रॉप करवानी है, मुझे तकरीबन घंटा लग जाना है यहाँ पे। अब बाकी लड़के अभी आए नहीं है, तो काम कब शुरू होगा? और काम कब शुरू होगा? और आगे जाके गुब्बारे शुब्बारे लगाने, इतना काम है भाई, इतनी लंबी, बहुत लंबा काम है, कुछ समझ नहीं आ रही। चलें फिलहाल हमारा डेंट तो निकल ही जाएगा। अंकल जी पेंट को बचाना है आपने? बस नीचे से रहता है अभी, इतना सा हिस्सा रह गया, बाकी निकला है डेंट।
निशान पे आ जाएंगे। पेंट करवाना होगा ना? हाँ, फिर ठीक करवा लेंगे। लो जनाब, हमारी गाड़ी अब लो होना यहाँ से शुरू हो गई है। ये हमारी हेल्प करेंगे लो करने में गाड़ी। बस मुझे डर ये लग रहा है कि जो सारा प्लान किया है ना, वो सारा फेल ना हो जाए, कैंसिल ना हो जाए। मैं बड़ा सोच के आया था कि यार बड़ा एंजॉय करेंगे, बड़ी मजेदार सी वीडियो, एक रिएक्शन वीडियो भी हो जाएगी बीच में, लोगों की रिएक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे इस तरह जब गाड़ियां जा रही हैं। और एक डिफरेंट तरीका है वैलेंटाइन मनाने का, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं यार। ये मेरा नहीं ख्याल, ये रिश्तों, मैंने जैसे पहले भी ब्लॉग के शुरू में बताया, ये रिश्तों का कोई दिन नहीं होता, आपके पास पूरी जिंदगी है रिश्तों की कदर और प्यार करने के लिए। तो ये तो गाड़ियां हो गई हैं, इस तरह के ये पंगे बंदा करता रहता है यार। अभी रास्ते में मैंने रेट पता किया, मेरे तो भाई कानों को हाथ लगा लिया है। ये जितने भी लड़के हैं कितने के हैं ये बोले? हाँ, ये कम से कम 20,000 के हैं। उधर ही मैंने कहा भाई है, नहीं तो प्लान कैंसिल, मिशन अबोर्ट, मिशन अबोर्ट, मिशन कैंसिल कर दो। डी भाई फुल ड्रॉप। हाँ, फुल ड्रॉप जितनी मैक्सिमम होती है ना उतनी कर दो। अभी इसको ऊपर करवाने वाला प्लान तो मेरा वापस आके नहीं है, इसको जितनी नीचे होगी उतने पे ही रहेगी फिलहाल, जब तक ये कोई एक्सेल उक्सेल खराब नहीं करती या तोड़ती नहीं। और दूसरी बात, अभी बॉयज़ को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है, एक लड़कों को इकट्ठा करना और लड़कों को फिर वर्कशॉप से निकालना सबसे मुश्किल काम है। अभी तक लड़के आए नहीं है भाई, 12:30 बजे हैं, अभी तक एक बंदा नहीं आया, और जिसकी वर्कशॉप है माशाल्लाह वो भी नहीं आया है। एट लास्ट लड़के आना शुरू हो ही गए भाई, अपनी कोको भी आ गई है, ये भी बॉय आ गया है, अब लड़के इकट्ठे होना शुरू हो गए। माशाल्लाह नाइस कार यार, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, खूबसूरत गाड़ी है। अपनी कोको को तो आप जानते ही हैं, और ये एक हमारी अपनी लालो, और यहाँ से लो हो रही है उस साइड से, फ्रंट से राइट साइड से लो हो गई है, यहाँ लेफ्ट साइड से हो रही है और पीछे से ड्रॉप होनी है। बस माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वर्कशॉप का ऑनर है ये जो अभी आया है, और ये टाइम देख रहे हो आप, वर्कशॉप वाले बॉयज देख रहे हो, बेचारे मेहनत कर रहे हैं, वो वर्कशॉप का ऑनर 1 बजे आ रहा है अपनी वर्कशॉप पे। पहले मैंने ये सोचा था कि सारी गाड़ियों पे ना रेड कलर के हार्ट्स बलून, ठीक है, अब मैं ये सोच रहा हूँ बॉडी कलर बलून, समझ रहे? नहीं। मेरी गाड़ी पे रेड, कोको पे वाइट, ये ब्लू पे ब्लू, ये एक टास्क है जानी, बलून्स ढूंढना। अभी रस्ते में सारे सारों ने रेड पकड़ के लगाए हुए हैं, मैंने तो रेड ही पता किए थे जिसने 20,000 मुझे कहा है। 20,000 के जी। तो बॉयज अपडेट ये है कि 1 बज गया है, लालो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तीनों साइड से ना ठीक हो गया, मतलब 1, 2, 3, अब ये वाली साइड रह गई है, ये भाई सेट कर दें, उसके बाद हम यहाँ से अपना सफर शुरू करेंगे। हमारे पास एक अकॉर्ड है बड़ी खूबसूरत, दोस्त की है अंसारी साहब की, ही इज हेयर K24, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सेटअप है इनका। उसके अलावा कोको को तो आप बखूबी जानते हैं, और एक ये बड़ी खूबसूरत हमारे पास सिविक 2000 है, बड़ी प्यारी यार, इसका जो पेंट है बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। जब मेरी गाड़ी फ्रेश पेंट होके निकली थी ना, तो इसी तरह का उसका भी रंग रूप था, लेकिन आपको पता है 2000 सिविक का मुकाबला और किसी गाड़ी के साथ नहीं है। ये गाड़ी हमेशा खूबसूरत लगती है जब भी इसको स्टांस में लेकर आते हैं। अभी गुब्बारे भी लेने हैं रस्ते में, बॉयज बहुत लेट कर दिया तुम लोगों ने, मेरी गाड़ी ड्रॉप हो रही है। हाँ, ये भी बात ठीक है। पहले लड़के मुझे लेट करवा रहे थे, अब मैं इनको लेट करवा रहा हूँ। अच्छा बॉयज, अभी आपने कुछ शॉट्स में शायद ये इसका रंग देख लिया हो, तो ये वाला रंग है जो इसके ऊपर हो रहा है गाड़ी के ऊपर। मोहसिन भाई ने कल इजाज़त दे दी थी, मैंने कहा आपको लगे तो दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ शॉट्स में नज़र आ गया होगा, और ये बहुत खूबसूरत कलर हो रहा है इसके ऊपर। ये जब फाइनल लुक्स में आएगी ना, ये गाड़ी देखने वाली होगी यार। इस वक्त गाड़ी का आप स्टांस देखो कितना खूबसूरत है, और इवन के इसके ऑनर कहते हैं कि मैंने इससे ज़्यादा ड्रॉप करनी है, पता नहीं कहाँ चलाएँगे वो, मुझे समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी गाड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। ओके होगी जी भी, देखिए तैयारी तो फुल जोशों करों से जा रही है, बॉडी वैक्स तो नहीं की, लेकिन भाई बड़े अच्छे मिल गए, ये ब्लू गाड़ी वाले भाई कहते हैं इसको टायर वैक्स लगा लो, बुरी लग रही है, मैंने कहा लगा लो, ये मांग के लगा रहा हूँ भाई, तो गाड़ी पड़ी थी लेकिन वो इतनी वो इफेक्टिव नहीं है। बॉयज़ बुरा हाल हो गया इधर तो, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक तो बॉयज़ को पहले इकट्ठा करना मुश्किल काम होता है, और फिर यहाँ से निकालना वर्कशॉप से काम होता है। अब मैं सबको कह रहा हूँ निकलो निकलो निकलो, लेकिन हर बंदा कहीं कोई किसी खुड्डे में घुसा हुआ है,
कोई किसी कोने में घुसा हुआ है। अब बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ। भाईजान हेलो, निकले यार, बहुत लेट हो गया। चलो क्या, मैं 10 मिनट से तो आपके पीछे पड़ा हूँ। गाड़ी ड्रॉप हो रही थी भाई, हो चुकी है, बस कर दो, मेरी गाड़ी पे ना डालो, वो भी हो गई है, सारी गाड़ियाँ तैयार है। चलो यार चले, बासी की गाड़ी पे कलर लग गया यार, तुझे पहले याद नहीं है भाई? काम पे काम पड़ी जा रही है, ये कहीं से हमारे पास हमें इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, कह रहे हैं कि मैंने गाड़ी देख के जा रहा हूँ। देखिए अब हम निकलेंगे। मैं सुबह से एक्साइटेड था, लेकिन सर मैं जिम में भी ना सोच रहा था यार कलर हो गया, डंबल लगाते हुए सोच रहे थे कि यार गाड़ी कैसी हो गई। एक्सरसाइज करते हुए वहाँ पे नहीं था दिमाग इधर का। ये व्लॉग हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपने एंजॉय करना है, साथ साथ थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, क्योंकि मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी करें, ताकि बाद में आप इकट्ठे एक दफा एंजॉय करेंगे, हम भी करेंगे आप भी करेंगे। लास्ट फाइनली हम लोग निकल आए हैं। अभी रश सड़कों पे बहुत ज्यादा है, हम लोगों ने पहले सोचा था रिंग रोड से जाएंगे, लेकिन फिर मसला था कि डिकोर कहाँ से करवाएंगे। इतनी स्टैटिक गाड़ी है, मैं तो देख के हैरान हो रहा हूँ। ये चेक करो जरा, ये देखो, ये देखो, लिटरली ऐसे ऐसे जा रही है, शॉपर नहीं है, अब आप शॉपर ना समझ लेना, लेकिन बहुत स्टैटिक गाड़ी है। आपके पास डांस गाड़ी हो, ऊपर से K24 हो और गाड़ी में एसी ना हो, तो ऐसा हाल होता है आपका। वो देखो सनरूफ से बाहर निकल के हवा ले रहा है, ये वीडियो बनाना तो एक बहाना है, असल कैबिन में इतनी गर्मी है कि वो गाड़ी से बाहर आ गया। ओके बॉयज, हम पहुंच तो चुके हैं मार्केट, जहाँ पे मेनली गुब्बारे हमें नजर आ रहे हैं, ये थोड़े थोड़े लगे तो हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेड और सिल्वर में है। रेड और सिल्वर भी ठीक है यार, अगर हमें और कलर में ना मिले, पहले मेरा प्लान था यार, मैं कह रहा हूँ रेड ही कर लेते सारे, रेड नहीं, मैं कहता हूँ दोनों कर लेते हैं। अंकल को बुलाएं, ये गुब्बारे लाल वाले जिसके ऊपर कुछ ना लिखा हो, यहाँ पे रोकते हैं। ये गुब्बारे कितने के, सिल्वर और दिल वाले? 200 का एक गुब्बारा। रास्ते में 50 का छोड़ के आए हम, कि मार्केट में जाके लेते हैं। बैंक हो गया, अब आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरह है यार गुब्बारे। ये 100 के हैं, साथ वाला 200। मार्केट आया हूँ, मैंने कहा सस्ते पड़ेंगे मुझे यहाँ पे, आप लोगों ने 100-100 रुपया मांग रहे हो, मैं जोहर टाउन में 50 रुपए का छोड़ के आया हूँ। जाने तो फिर आगे और चेक करते हैं। दिस इज वेरी वेरी अनफेयर, अब हमारा क्वारी टाइम शुरू हो गया है। ये अंकल को कहते सारे दे देंगे, सारे कितने के देने? कितने हैं? नहीं वैसे बता दे मोटा मोटा कितने का है, कितने का ये आपको 100 रुपए का मिलेगा। अंकल आप भी फारिग हो, मैं भी फारिग करें, तुम चस्के ले लो इधर गुब्बारे वाले कम चस्के ले रहे, रोक ना इधर ही खड़े। भाई जान ये कितने के हैं सारे? सर हाँ जी, ये सर तकरीबन 3000 के, 25 पीस हैं, 150 का वैसे सेल था। अभी यार आते वक्त ना रास्ते में मैंने पता किया था, तो मुझे 50 उन्होंने कह दिया था, और फिर हमने कहा कि यार हम मार्केट जाके ले लेते हैं, तो हमें सस्ते पड़ेंगे। सस्ता पड़ गया, महंगा वही साफ हो गया, महंगा पड़ गया यार। अभी बहुत ख्वारी चल रही है, मैंने आपको जैसे कहा है, आपने बर्दाश्त करना है मेरे साथ, मैं हम भी बर्दाश्त करें, आप भी करें, ताकि एक साथ हम सारे मिलके एंजॉय कर सकें। धड़ाधड़ फूल बिक रहे हैं भाई, और हमें यहाँ पे गुब्बारे नहीं मिल रहे, वो हमने तो गाड़ी के लिए लेने हैं यार। मेरी कंपाउंड लगी हुई है, कल करवाई थी तो यहाँ पे लग गई है। इसको अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, नॉइज़ पोल्यूशन, अल्लाह माफ़ करे। यार देखो चेक करो जरा स्टैटिक कितनी है यार। मेन बुलेवार्ड भाई आराम से चलाए, राइड ड्राइविंग नहीं करते।